एक मित्र पूछते हैं, कुछ कल्ट लेविटेशन सिखाते हैं, इसमें क्या सच्चाई है? आजकल इंटरनेट और यूट्यूब की तरफ से मेरे पास बहुत प्रश्न आते रहते हैं। जो लोग अनंत आ रहे हैं, बातें समझते हैं, वो तमाम प्रश्न नहीं पूछते, वो बहुत सारी बातें पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं सब प्रश्न ले लेता हूँ, सबके जवाब देता हूँ, क्योंकि सबको अलग अलग उनकी ज़रूरत हो सकती है। तो लेविटेशन के बारे में बहुत स्पष्टता से समझेंगे। एक तो चीज़ों को बहुत फिजिकल मीनिंग में नहीं देखना चाहिए, उनको बहुत ज़्यादा हमको नीचे उतार कर नहीं देखना चाहिए। जैसे कि लेविटेशन का अगर अर्थ यही माना जाए कि शरीर का हवा में तैर जाना, तो ये एक बहुत ही ग्रॉस कॉन्सेप्ट हो गया। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी में लेविटेशन को व्यक्ति की जो ऊपर जाती हुई यात्रा है, वर्टिकल जर्नी है, उस संदर्भ में देखें तो इसकी उपयोगिता है भी। इसका कुछ महत्व तो है कि विचारों का, उसके भावों का, उसके व्यक्तित्व का ऊपर उठ जाना, जो पकड़ है संसार की उससे हटना, तब तो लेविटेशन उपयोगी है। लेकिन जिस लेविटेशन की चर्चा आमतौर से करी जाती है, वो बिल्कुल ही व्यर्थ, अनुपयोगी और उसमें कुछ है नहीं। वो ट्रिक्स हैं, बहुत सारी मैजिकल ट्रिक्स हैं जिनको जो लोग जानते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, और ट्रिक के सिवा उसमें कुछ नहीं है। ना तो व्यक्ति के मन में, चेतना में उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैजिक की तमाम ट्रिक्स हैं, तो मैजिक शोज में तमाम चीज़ें देखते हो। और जो कल्ट लेविटेशन को क्लेम करते हैं, आजकल तो तुम सारे वीडियोस भी इंटरनेट पे ढूंढ कर देख सकते हो, वो बिल्कुल हास्यास्पद है। तुम वहाँ लोगों को कूदते हुए देखोगे, गद्दों के ऊपर कूदते हुए, जैसे मेढक कूदता है, तो इट इज़ लाइक फ्रॉग जंप। यहाँ से कूदा व्यक्ति वहाँ पहुँचा। लेविटेशन का सही सही मतलब तो यही है कि व्यक्ति हवा में तैरे, और ऐसा होता नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन फिर प्रश्न ये है कि क्या लोगों को ऐसा एहसास होता है लेविटेशन का? तो एहसास हो सकता है उनको, क्योंकि जब कोई ध्यान में है और वो इस धारणा से ही ध्यान में है कि लेविटेशन होना है या लेविटेशन हो सकता है, जैसे जो कल्ट सिखा रहा है वो लेविटेशन को आप स्पष्टतः प्रोपोगेट भी करता है, उसका प्रचार भी करता है, तो उसके अंदर एक सजेशन है, मेंटल सजेशन है व्यक्ति के अंदर। और वो जब रिलैक्स होता है पूरी तरह, उसका शरीर मन पूरी तरह रिलैक्स होता है, तो वो ऐसा अनुभव कर सकता है, ऐसा इमेजिन कर सकता है। ध्यान की स्थितियों में जो ट्रांस पैदा होती है, वो एक बहुत ही ट्रिकी सी स्थिति है। वो ट्रांस हमको हमारे अंतर जगत के रहस्यों की तरफ भी ले जा सकती है, और वो हमें हमारे कल्पना जगत में भी ले जा सकती है। कल्पना और यथार्थ वहाँ पर बहुत ही आसपास होते हैं, कल्पना की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। तो लोगों को लग सकता है कि हवा में तैर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो कभी हवा में नहीं तैरते, हवा में नहीं उड़ते। उनको ऐसा एहसास होता है, वो ऐसा महसूस करते हैं। वो आँख खोलेंगे तो पाएंगे कि नहीं, वो ज़मीन पे। आँख खोलने के बाद ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जब व्यक्ति ने पाया और नहीं, वो तो छत पे लटका हुआ है, अब उसको नीचे लाया जाए, ऐसा नहीं होता। वो ध्यान में बैठा है तो उसको लगेगा मैं छत पे पहुँच गया, मैं छत पे लटका हुआ हूँ, लेकिन जब आँख खोलेगा तो वो नीचे ही है। व्यक्ति के मन की तमाम क्षमताएं, ये जो तमाम कल्ट्स और तमाम बाबा लोग ऐसी बातें
प्रचारित करते हैं वो लोगों को आकर्षित करती हैं, लेकिन कभी कोई ये प्रश्न नहीं उठाता इससे हमको हासिल क्या होगा। तुम जमीन पर चलते हो, इससे क्या हासिल हुआ? और तुम जमीन पर न चलकर हवा में भी अगर तैरने लग गए तो तुमको क्या हासिल होगा? ये केवल ट्रिक्स हैं और कुछ लोग इन ट्रिक्स में एक्सपर्ट हैं। एक आधुनिक गुरु हैं, वो भी इन मैजिक ट्रिक्स में एक्सपर्ट हैं। तो एक बार वो जे कृष्णमूर्ति के पास गए, उनके साथ वो रहे, उन्होंने उनके सामने भी ये ट्रिक करके दिखाई, तो कृष्णमूर्ति जी ऑब्वियसली बस मुस्कुरा दिए, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। तो जो लोग वो वर्णन उनकी पुस्तक में पढ़ते हैं उनको लगता है ये तो बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया लेविटेट होने का, लेकिन प्रश्न दूसरा है कि कृष्णमूर्ति जी ने उस पर टिप्पणी क्यों नहीं करी। उन्होंने इसलिए नहीं करी क्योंकि वो भी इन सारी ट्रिक्स से परिचित हैं और वो उन सबको जानते रहे और वो उनकी व्यर्थता भी जानते हैं। कई बार लोगों का अपना जीवन का यात्रा क्रम होता है और ये भी एक किस्म का बचपना होता है जब हम इन चीज़ों से लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। तो जो सीरियस स्पिरिचुअल सीकर है वो ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ता, वो अगर उसको देखता भी है तो उसका कुछ गहरा आध्यात्मिक अर्थ देखने की कोशिश करता है। उस अर्थ में लेविटेशन को स्वीकार किया जा सकता है कि जब हम अपनी उन मानसिक जो पकड़ हैं जिन्होंने हमको बांध रखा है इस संसार से, जीवन से, उनसे ऊपर उठते हैं। दैट इज अनदर काइंड ऑफ लेविटेशन, बट दैट इज नॉट फिजिकल लेविटेशन। वो सारी बातें बिल्कुल भी मीनिंगलेस हैं, उनका कोई भी अर्थ नहीं है।